दादरी में स्कूल बस हादसे के बाद परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने आरटीओ को सभी स्कूल बसों को चेक करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने शर्तों को पूरा न करने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। वहीं हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये दिए जाएंगे। कुछ बसों में 52 सीटों के बजाय 65-65 बच्चे भर के लाते हैं, तो मैं अपने विभाग के अधिकारियों को आरटीओ को ये निर्देश दूंगा तो समय समय पर स्कूली जो बसें उनकी चेक की जाए कि जो नॉर्म पूरा नहीं करती, जो अनफिट है तो उसको गाड़ी को इम्पाउंड किया जाए। जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए इलाज के लिए ऐच्छिक निधि से सहयोग करने की घोषणा की है। जो चले गए उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए के सहयोग की घोषणा की है। रेवाड़ी प्रशासन के लिए नियम 134 एक गले की फांस बन गया है। बच्चे और अभिभावक जिला सचिवालय में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बच्चों की क्लास लगाई। ऐसा करते देख जिला उपायुक्त ने सभी बच्चों को अपने कार्यालय में बुलाया। बच्चों ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद स्कूलों में उन्हें अपने स्कूल में एडमिशन तो दे दिया, लेकिन अब उन्हें परेशान करने के लिए वाहन सुविधा नहीं दी जा रही, जबकि वो वाहन शुल्क देने को तैयार है। सरकार के नियमानुसार उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जानी है, और विशेष तौर पर चूंकि बच्चों के अभिभावक उसके लिए पे करने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो सुविधा देनी पड़ेगी। चला लगे हुए हैं।